नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल यूनिक शेयर डिटेल्स में। आज फिर आ गया हूं मैं आप सबके सामने फिर से एक नया बेहतरीन और यूनिक शेयर लेकर। चलिए आप सबको उसके बारे में बताऊंगा, उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और यूनिक शेयरों के बारे में पता चल सके। तो आज जो मैं कंपनी आप सबके सामने लेकर आया हूं, उस कंपनी का नाम है विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया लिमिटेड। इस कंपनी में क्या बड़ी खबर आई है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और अपने इस वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि ये कंपनी कैसी है, आपको इसका शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और इस कंपनी के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं। तो उसके लिए आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको इन सब बातों का पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी में एक बड़ी खबर आई है, इस कंपनी को 471.04 करोड़ के दो ऑर्डर मिले हैं। ये दोनों ऑर्डर इसे नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे से मिले हैं। एक ऑर्डर इसे 88.61 करोड़ का मिला है, और इस ऑर्डर में कंपनी अजमेर डिवीजन में ब्रिजेस, रोड्स, प्लेटफॉर्म्स एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का काम करेगी। और दूसरा ऑर्डर इसे 382.42 करोड़ का मिला है। इस ऑर्डर में कंपनी बीकानेर डिवीजन में बीकानेर रेलवे स्टेशन को अपग्रेड करने का काम करेगी। चलिए आगे बताता हूँ आपको। इस खबर के आने के बाद इसमें 14 रुपये बढ़ गए थे, और इसका शेयर 227 रुपये तक पहुंच गया था। एक साल पहले इसका शेयर 168 का था, और अब 223 रुपये का है। अब मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताता हूँ कि ये कंपनी करती क्या है। ये कंपनी 1986 में बनी थी। ये कंपनी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी एंड प्राइवेट बॉडीज के लिए डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को करने का बिजनेस करती है। ये कंपनी वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स, रेलवे प्रोजेक्ट्स एंड रोड प्रोजेक्ट्स को भी बनाने का बिजनेस करती है। अब मैं आपको इस कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बताता हूँ। इस कंपनी ने पिछले 5 सालों में 58.5% CAGR की प्रॉफिट ग्रोथ दी है, और इस कंपनी ने पिछले 3 सालों में 28.9% की रिटर्न ऑफ इक्विटी दी है। अब मैं आपको इस कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बताता हूँ। ये कंपनी लगातार अपना रिपीटेड प्रॉफिट शो करती आ रही है, और ये कंपनी डिविडेंड भी नहीं देती है। अब मैं आपको इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बताता हूँ। इस कंपनी का मार्केट कैप 2,808 करोड़, PE रेशियो 22.9, ROE 23.6% और डेप्ट टू इक्विटी 0.55 है। अब मैं आपको इसका एक नेगेटिव पॉइंट और बताता हूँ। इसमें FIS ने अपना स्टेक कम किया है। सितंबर 2023 में FIS का स्टेक में 4.66% था, और फिर हर क्वार्टर में कम होने के बाद अब जून 2024 में FIS का स्टेक में 1.08% हो गया है। अब मैं आपको इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बताता हूँ। इसमें प्रमोटर्स का 67.81%, रिटेल का 27.01%, म्यूचुअल फंड्स का 4.08%, FIS का 1.08% और DIS का 0.02% स्टेक है। मेरे हिसाब से ये कंपनी ठीक है, पर ये कंपनी जब से शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है तभी से इसका शेयर लगातार अप डाउन हो रहा है, और अगर आप इस शेयर को लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही लें। तो इससे जुड़ी नई खबर आई थी, इसीलिए आप सबके सामने मैं इस शेयर को लेकर आया हूँ। ये मेरी पर्सनल थ्योरी है, ये कोई शेयर सेल और परचेज करने की सलाह नहीं है, ना ही मैं कोई सेबी से रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि आपको ऐसे ही नए नए यूनिक शेयरों के बारे में पता चल सके। और अब मैं कल फिर आऊंगा आप सबके सामने फिर से एक नया बेहतरीन और यूनिक शेयर लेकर। धन्यवाद।